गाइस, वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल बी सिंपल बी स्मिली। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हम वादी हर्बल्स की अंडर आई क्रीम का जेल। वन ऑफ द बेस्ट अंडर आई क्रीम है ये। एंड इसके बाद क्या है, ये अब काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, जस्ट अंडर हंड्रेड रुपीज़ में आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद वादी हर्बल्स एक अच्छी खासा ब्रांड है, इसमें आपको किसी भी तरह कोई भी केमिकल्स नहीं मिलते हैं। उसके बाद अगर आपके अंडर आई जी जो होते हैं ना, डार्क सर्कल्स, अगर उनको रिमूव करने में हेल्प करती है ये, उनको लाइट बनाती है एंड प्रिवेंट करती है ये फाइन लाइन्स और रिंकल से, रिड्यूस पफिनेस। अगर आपकी आँखें फूल जाती हैं ना, जैसे मेरी कभी कभी फूल जाती हैं, सो उसको भी आपको रिलैक्स करती है एंड स्मूथ एंड नरिश एंड स्मूथ डिलिकेट स्किन, इसका भी काम करती है ये। उसके बाद इसमें ये जो अंडर आई क्रीम है, इसके तीन इंग्रेडिएंट हैं, वो है आलमंड ऑयल, कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट एंड रोज, ठीक है। ये जो है फॉर आइज डेड स्पेल ब्यूटी, इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद इस तरीके की पैकेजिंग में आती है, कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आती है। प्राइस की बात की जाए तो ये जस्ट आपको 100 रुपीज़ के अंडर मिल जाती है। उसके बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग टू एक्सपायरी डेट है, वो है 3 साल। 3 साल तक आप इस प्रोडक्ट को आराम से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसका जो क्रीम है वो ये है, ठीक है। इस तरीके से आप इसे ओपन करो एंड आपकी क्रीम बाहर निकल के आ गई, ठीक है। उसके बाद जो पैकेजिंग बाहर है वही अंदर है। सो अंडर 100 रुपीज़ में ये आपको 30 ग्राम्स मिल जाती है। इसका 30 ग्राम्स का नेट वेट है, जो बाहर है वही अंदर है। अगर ये आपको फेक भी देते हो ना तो भी आपका एक काम आएगा, ठीक है। इसमें यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया गया है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ इस तरीके से आती है, एक अंदर इसको एक पॉलीथीन वाली पैकेजिंग है और ये कुछ इस तरीके से आती है। वाइट कलर की क्रीम है, ठीक है ना। बहुत काफ़ी अच्छी वाली फ्रेगरेंस आती है इसमें से, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग वाली फ्रेगरेंस आई है इसकी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी वाली अंडर आई क्रीम है ये। जैसे कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आप कोई ना कोई अंडर आई जेल, अंडर आई क्रीम, अंडर आई सीरम ज़रूर यूज़ किया करो, क्योंकि अगर आप इसे यूज़ नहीं करोगे तो आपको क्या होगा पता है, आँखें फूल जाएंगी, डार्क सर्कल्स हो जाएंगे, जिससे कि आपका जो स्किन है ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो पहले मैं अंडर आई क्रीम वगैरह नहीं लगाती थी, बट फिर मेरी जो पफनेस हो गया और डार्क सर्कल तो मुझे नहीं है खैर, पर मेरी आँखें फूल जाती हैं, पकौड़े जैसी हो जाती है ना, तो मैंने कहा चुप कर और लगाने पर मैंने इसीलिए इसको मंगाया है। सो जो लोग ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं वो ये वाला डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छी वाली प्रोडक्ट है ये, बहुत अच्छे से आपकी आईज को प्रोटेक्ट करेगा डार्क सर्कल्स पफिनेस एंड रिंकल्स से। वो रिंकल्स की प्रॉब्लम है, डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है, या फिर आप लोगों को पफिनेस की प्रॉब्लम है, तीनों काम के लिए ये वाला अंडर आई क्रीम बेस्ट है। जाओ और ख़रीदो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो ये तो था ही छोटा सा रिव्यू, तो चलो इसका एक छोटा सा डेमो भी दिखा देती हूँ मैं आपको। तो गाइज अब हम लगाएंगे वाली क्रीम, तो इसको मैं पहले ओपन कर रही हूँ एंड बहुत अच्छी वाली क्रीम है, अफोर्डेबल है एंड यहाँ पे आपकी आईज अगर टायर्ड लगती हैं तो भी वाला क्रीम बहुत अच्छे से वर्क करती है। सो बस आपको ये थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेना है और इस तरीके से आपको लगा लेना है। एंड मैंने यहाँ पे स्पीड इसलिए ऑन नहीं की क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, स्पीड की वजह से क्या होता है जल्दी जल्दी हो जाता है तो आपको समझ में नहीं आता। तो आप इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा थिक है, तो एक सिंगल फिंगर से ये नहीं लग पाएगी, तो पहले आपको इस तरीके से डबल फिंगर से इसको राउंड राउंड करके लगा लेना है। एंड डबल फिंगर से क्या होगा ना कि ईजिली आपकी पूरी आई पर लग जाती है, ठीक है। सिंगल फिंगर से ये थिक कंसिस्टेंसी की वजह से ठीक से नहीं लग पाती है। तो ऐसे ही हम सेम अपनी सेकंड आई पे भी करेंगे एंड आप कुछ इस तरीके से इसको लगा लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया सिंगल फिंगर से करना चाहिए, मुझे पता है कि सिंगल फिंगर से करना चाहिए। तो उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से इसको राउंड राउंड करके आपको लगा लेना अच्छे तरीके से। एंड उसके बाद आपको ये बड़ी वाली जो हमारी सिंगल फिंगर है इसको यूज़ करना है कुछ इस तरीके से, मस्त हल्के हल्के हाथों से आपको इस तरीके से राउंड राउंड करके अपनी मसाज करनी है आई के पास। इससे क्या होगा ना, आपका जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो भी अच्छे से होगा। अंडर आई क्रीम को हम लोग दिन और रात दोनों में यूज़ कर सकते हैं, तो बेस्ट रिजल्ट के लिए आप डेली इसको यूज़ कीजिए, चाहे दिन हो या रात हो। पसंद
सो गाइस आई होप कि आपको रिव्यू वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया, वीडियो अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हिट करना मत भूलना बेल आइकन को, इससे आने वाली सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू।